रुकावट से हो तंग प्रिय तो कर लो ऐप चेंज प्रिय। देख बिना ब्रेक डाउनलोड तक ऐप। जिनके पीछे पुलिस भाग रही है ये वो आदिवासी है जो दो दिन से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए थे और अब इनकी मांगों को नहीं सुना गया तो इनके सब्र का बांध टूट गया और ये आदिवासी पुलिस बैरिकेड्स तोड़ते हुए डीएम कार्यालय में घुस गए और प्रशासन और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शन के बीच पुलिस और आदिवासियों के बीच कहासुनी और धक्का मुक्की भी हुई। आपको बता दें कि आदिवासी खारक बांध के डूब जाने से प्रभावित है जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने भी मुआवजा देने का निर्देश दिए हैं लेकिन इन्हें अभी तक मुआवजा नहीं मिला है जिसके विरोध में ये प्रदर्शन कर रहे थे। देखिए पिछले साल शिवराज सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन करके लोग यहाँ 21 दिन तक बैठे फिर भी जो है एक बिल्कुल ही गैर कानूनी ढंग से इनका पैसे को रोक के रखा। नए सरकार आने से ये उम्मीद थी कि स्थिति बदलेगी। मार्च से नए सरकार से संवाद चल रहा है, जुलाई से वो हमको आश्वासन दे रहे हैं कि ये हो जाएगा चंद दिनों में, अगले हफ्ते हो जाएगा, 5 दिन में हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा। नवंबर में बोलने लग गए कि हमको और सोचना है। हमने फिर से उनके साथ बैठे कि भाई आप क्या कर सकते हो। लगातार संवाद के बाद अभी भी 9 महीने बाद भी वो कार्रवाई नहीं हुई है। आदिवासियों के वोट पर जीतने वाली इस सरकार से ये उम्मीद नहीं थी। पिछले सरकार की अनियमितताओं को हमने समझाया पर वही अनियमितताएं हैं इस सरकार द्वारा भी की जा रही है बिल्कुल गैर कानूनी ढंग से। आदिवासी संगठन की नेता जहां सरकार पर मुआवजा ना देने का आरोप लगा रही है वही इस हंगामे के बाद एसडीएम घटना की वीडियो फुटेज देखने के बाद कार्रवाई की बात कह रहे हैं। देखिए अभी तक तो ये सब लोग बाहर आंदोलन कर रहे थे और आज जो है जबरदस्ती इनके द्वारा अंदर प्रवेश किया गया है। अब इनसे बातचीत करते हुए इनको अभी तो बाहर निकाल दिया है और जो अभी तक अंदर का घटनाक्रम हुआ है उसकी वीडियो फुटेज हमारे पास में है, उसकी हम जांच कर रहे हैं, उसके बाद आवश्यक कार्रवाई करेंगे। इनकी मांग तो वही है जो डूब क्षेत्र के हैं उनके मुआवजे के संबंध में है लेकिन चूंकि उसके जीआरए की अपीलेट कोर्ट में अपील चल रही है तो वहां से निराकरण होने के बाद ही कुछ इसमें निराकरण किया जा सकेगा। उसकी वीडियो फुटेज की भी जांच चल रही है, उसके अनुसार फिर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। आपको बता दें कि डूब से प्रभावित इन आदिवासियों की मांगों को पूर्व की शिवराज सरकार में पूरी नहीं हो पाई थी लेकिन इन आदिवासियों को नई कमलनाथ सरकार से उम्मीद थी कि ये सरकार इनकी मांगों को पूरा करेगी लेकिन सरकार बनने को 1 साल पूरा होने जा रहा है लेकिन अभी तक इन्हें मुआवजा नहीं दिया गया। खरगोन से उमेश रिवालिया की रिपोर्ट।